वेलकम टू मूवीज अड्डा एंड दिस इज योर बॉलीवुड गाइड G9 यानी दिव्य सोलगामा। चलिए अब बात करते हैं इस हफ्ते की दूसरी रिलीज फिल्म डर एट द मॉल की। 9 मौतें हुई हैं इस मॉल में, लोग तरह तरह की बातें करते हैं, यहाँ भूत है। अगर हम आजकल की बनने वाली हॉरर फिल्मों को देखें तो इन सभी फिल्मों में एक टिपिकल पैटर्न होती है जहाँ पे फिल्म शुरू होती है एक भूत या इंसिडेंट से और उसके बाद लोगों को भूत हॉन्ट करने लगते हैं, लीडिंग टू अ लॉन्ग हाइड एंड सीक बिटवीन द स्पिरिट्स एंड ह्यूमन बीइंग फॉलोड बाय द किलिंग्स एंड उसके बाद उस भूत से रिलेटेड कहानी बताई जाती है। अब इन फिल्मों को अलग करती है फिल्म का प्रीमाइस या कि सब्जेक्ट फॉलोड बाय द डीसेंट डायरेक्शन एंड थोड़े अच्छे डरावने झटके इन द फिल्म। अगर एक डायरेक्टर इन बेसिक फैक्टर्स को अच्छी तरह से पेश करते हैं तो हमें एक डिसेंट हॉरर फिल्म मिलती है। फिल्में जैसे कि भूत, 13B, रागिनी MMS, काल, हॉन्टेड एंड फ्यूमो आर परफेक्ट एग्जांपल ऑफ डिसेंट हॉरर फिल्म्स फ्रॉम अवर हिंदी सिनेमा इन द रीसेंट टाइम्स। अब डर एट द मॉल भी दावा करती है कि वे एक अलग तरह की हॉरर फिल्म है विद यूनिक प्रीमाइस अटैच्ड टू इट। फिल्म की कहानी एक हॉन्टेड मॉल में बसी है जिसके कारण क्यूरियोसिटी एंड एक्सपेक्टेशंस लेवल दोनों ही बढ़ जाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि क्या डर एट द मॉल विल Join the list of good horror films from a Hindi cinema, या के उन फिल्मों में से होगी जहाँ पे अच्छे प्रीमाइस के अलावा कुछ और नहीं था। डर एट द मॉल फिल्म की कहानी एक सिक्योरिटी गार्ड विष्णु यानी कि जिमी शेरगिल की। विष्णु को एक मॉल का इंचार्ज बनाया गया है जो कि कुछ समय से बंद है ड्यू टू सम किलिंग्स इन द पास्ट। मॉल के ओनर्स मॉल को रीलॉन्च करना चाहते हैं लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है जैसा कि उन्होंने सोचा था और जो होता है वही फिल्म की आगे की कहानी है। हमें यहाँ से निकलना होगा, ये जगह सेफ नहीं है। कोई है? अब स्टोरी आपको रामसे ब्रदर्स की होटल फिल्म की याद दिलाएगी और साथ ही साथ कई सीन्स इंस्पायर या के कॉपी किए गए हैं इंटरनेशनल हॉरर फिल्म से, लेकिन स्क्रीन प्ले को अच्छी तरह से पेश किया गया है जिसके कारण आप फिल्म से जुड़े रहते हो। वैसे इस फिल्म में सभी रूटीन इंग्रेडिएंट्स है जो कि एक हॉरर फिल्म में होने चाहिए, लेकिन ह्यूमन एंड स्पिरिट्स के बीच की इस हाइड एंड सीक को काफी लंबा खींचा है जिसके कारण आप फिल्म से डिटैच होने लगते हो। कौन है? साथ ही कुछ साइड ट्रैक्स एंड अनवांटेड लव मेकिंग सीन्स है जो कि फिल्म को डाइल्यूट कर देते हैं। फिल्म में कुछ अच्छे डरावने सीन्स भी है लेकिन जैसे फिल्म आगे बढ़ती है ये सीन्स रिपीटेटिव होने लगते हैं एंड फिल्म हॉरर से हटके ड्रामेटिक बन जाती है। वैसे फिल्म में म्यूजिक दिया है शंकर एहसान लॉय ने लेकिन एक भी गाना यादगार नहीं है। ऑल्सो आइटम सॉन्ग पिना कोलाडा वॉज टोटली वेस्टेड। डायरेक्टर पवन कृपलानी केम अप विद अ इंटरेस्टिंग प्लॉट लाइन इन हिज लास्ट फिल्म रागिनी MMS और यहाँ पर भी एज अ डिसेंट प्लॉट लाइन अटैच टू इज लेटेस्ट फिल्म डर एट द मॉल में। कई सीन्स कॉपी भी है लेकिन पवन ने उन्हें अच्छी तरह से समेटा है एंड मैनेजेस टू गिव अ डीसेंट फिल्म। एक और अच्छी बात है कि ये फिल्म में कोई ओवर द टॉप टाइप के सीन्स नहीं है जो कि आम बात होते हैं आजकल की हॉरर फिल्मों में। हाँ, फिल्म में डरावने सीन्स और भी होने चाहिए थे। परफॉर्मेंस की बात करें तो जिमी शेरगिल इज फाइन इन हिज पार्ट्स एंड डज इट विद टोटल कन्विक्शन, तो इट्स सैड टू सी सच अ टैलेंटेड एक्टर बीइंग वेस्टेड इन सच फिल्म्स। नुसरत भरूचा इज गुड बट हर कैरेक्टर लैक द सोल। इनके अलावा विक्रम ओवर कॉन्फिडेंट दिखाई देते हैं। दो आसिफ बसरा एंड आरिफ जकारिया इन देयर रोल वर गुड। सो पोल मेरी फिल्मी खोपड़ी, इस फिल्म में कितना है दम? दम? वेल फॉर अ चेंज डर एट द मॉल हैज अ डीसेंट एंड यूनिक प्रीमाइस अटैच्ड टू इट जिसके कारण आपको फिल्म देखने की उत्सुकता रहेगी। कुछ अच्छे स्पूकी मोमेंट्स एंड सेंसिबल डायरेक्शन भी है लेकिन एक हॉरर फिल्म के तुलना में फेल्स शॉर्ट। यानी कि इन शॉर्ट ये फिल्म उन तमाम नए खुलने वाले मॉल्स की तरह है जिसमें खुलते वक्त काफी कुछ नयापन होता है लेकिन बाद में सारे मॉल जैसे ही लगने लगते हैं। एज फॉर हॉरर फिल्म लवर्स, डर का तो पता नहीं, हाँ थोड़े अच्छे झटके जरूर लगेंगे लेकिन धीरे से, जिसके कारण मैं इस फिल्म को 2.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स की रेटिंग देता हूँ। कुछ न कुछ गड़बड़ तो है सर, मैंने भी चेक किया है। Full length review of this movie by your Bollywood guide G9 Divya Solgama. Log on to Movies Adda.